कोमल, हॉस्पिटल अच्छा बनाया है ना? सारा मॉडर्न इक्विपमेंट है। सच बताए तो हमें विश्वास नहीं था कि ये हॉस्पिटल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। माँ आप एकदम सही कह रही हैं। सबने बहुत मेहनत की थी, सारी अरेंजमेंट्स कितनी अच्छी थी, हर काम वक्त से पहले, है ना? इसीलिए हम शायद घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। Right. I'm sure राघव एंड सिया दोनों ने सबका बहुत ख्याल रखा होगा। I just hope सिया ने हमारे मेहमान को medicines time पे दे दी हो। कोमल, हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। जी? वो हमारे मेहमान है ना, कभी कभी उनकी बातें हमें देव की याद दिलाती है। कोमल, वो क्या हो रहा है? वो देखो तो, गाड़ी रोकिए। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे उन्हें, क्या कर रहे हो? छोड़िए, आप ठीक तो है ना? आप घर होना चाहिए और ये सब। मिसेस सिंह, वो राघव जी ने मुझे घर से निकाल दिया। आई एम सॉरी, मैंने आपसे गुस्से में बात की, ऊंची आवाज में बात की, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सिर्फ एक चीज दिमाग में चल रही थी, वो था उस इंसान को इस घर से बाहर निकालना। मैं जानता हूं वो बीमार है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो आदमी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। आप लोग नहीं जानते, मैंने मैंने देखा है उसका। अगर मेरे रहते इस परिवार के किसी भी सदस्य पे आज भी है, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे वो इंसान सही नहीं लगता, मैं उसे इस घर में नहीं रहने दे सकता, मैं अपने परिवार के बीच में उसे नहीं रहने दे सकता। मुझे लगता है कि वो मेरे परिवार के लिए खतरा है। जानती हूँ राज, आप कुछ क्या इसे इस हालत में नहीं देख पाता। नॉर्मल हो जाए, एक बार ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा। कम से कम थोड़ा सा खा लिया, सुला देते। I am sorry. आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, आपने जो कुछ भी किया मैं जानती हूं कि मैं